आइए आपको सीधे जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर दैनिक भास्कर और न्यूज इंडिया की टीम के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, जहां पर हमारे खुद सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा मौजूद हैं। सुनील जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है? 40 ओवर अब दूसरा मैच, ये भी दोनों 20-20 ओवर के होंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको सुबह हम लेकर चले थे कि जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया आज पहली बार प्रेस प्रीमियर लीग में अपीयर हुआ है। आज पहली बार वो अपनी इस मैदान में उतरे और एक बहुत ही खूबसूरत टीम पूरे हौसले के साथ उन्होंने खेला और खेलते हुए इस समय का मैं आपको लाइव स्कोर बता देता हूं दर्शकों को, और वो स्कोर इस समय पर है 13 ओवर में 107 रन इस समय बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रतीक शर्मा खेलते हुए 45 रन के स्कोर पर हैं, उससे पहले मुबारक खान आउट हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इस समय न्यूज़ इंडिया के बल्लेबाज इस समय पूरे हौसले के साथ खेल रहे हैं, और दैनिक भास्कर जो कि 5 बार की विजेता है, उस 5 बार की विजेता टीम को इस समय पर मैदान पर चारों तरफ उन्होंने घुमा दिया है। जिस प्रकार से उनकी बाउंड्रीज लग रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से जैसे कि जब ये टीम मैदान में उतरी थी तो सब लोग यही कह रहे थे कि एक तरफ 5 बार की विजेता है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो पहली बार उतर रही है, और ऐसे में 48 रन पर इस समय खेलते हुए प्रतीक शर्मा वाकई में बहुत ही अच्छी शुरुआत उन्होंने टीम को दी है। इस समय मैदान पर कप्तान के रूप में दीपक चावला मौजूद हैं, जो कि अपनी कप्तानी पारी दिखाने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। इससे पहले अविनाश ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अविनाश और प्रतीक ने एक बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर की, और उसी शुरुआत के बदौलत इस समय पर न्यूज़ इंडिया 13 ओवर में लगभग 107 रन पर है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पर दीपक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। कर बैठे अपनी बॉल की गति में परिवर्तन किया, स्लोर वन पे का दीपक, और नए खिलाड़ी के रूप में, नए बैट्समैन के रूप में इस समय गौतम इस समय उतर रहे हैं मैदान में, जा रहे हैं, और इस समय पर स्कोर हो चुका है दीपक के रूप में 112 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुके हैं, 14 ओवर हो चुके हैं और 112 रन इस समय पर हो चुके हैं। 112 रन है जी हाँ। और अब आपको बताते हैं, हमारे साथ इस समय राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, बैटिंग लाइन भी है, सुबह से देख रहे हैं मैच, क्या कहना चाहेंगे हमारी टीम के लिए जो क्या पहली बार उतरी है? काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, और जिस तरीके से प्रतीक खासतौर पर जिक्र करना जरूरी है, 45 के आसपास खेल रहा है, और सबसे बड़ी बात सुनील जी का पहली बार इस प्रीमियर लीग में आप शिरकत कर रहे हो, और 5 बार की चैंपियन रही भास्कर की टीम के साथ में आपका मैच है, तो अपने आप में काफी मजबूत स्थिति में इस समय न्यूज़ इंडिया कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके के शॉट्स मैंने देखे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और काफी हद तक इस समय भास्कर की टीम अपने आप को पीछे मान करके चल रही है। बॉलिंग लाइनअप उनका नहीं हो पाया क्योंकि स्टार्टिंग के 10 ओवर जो होते हैं वहां पर काफी कुछ न्यूज़ इंडिया की टीम ने काफी जगह पर जो शॉट्स खेले वो काफी महत्वपूर्ण, अपने आप में काफी अच्छा न्यूज़ इंडिया की टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है। और खास तौर पर मैं प्रतीक का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग एंड से शुरुआत की और अभी तक लगातार जो है रन मशीन बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिसे इस तरीके से अभी तक के जो शेष ओवर है उसके बाद में भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप रहनी चाहिए, तो यूं माना जा सकता है कि 150 के पार ये लक्ष्य जा सकता है। जी हाँ, न्यूज़ इंडिया ने डेब्यू किया है और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेब्यू किया है। वाकई में एक बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है कि एक नई टीम किस प्रकार से पूरे टूर्नामेंट में उलटफेर कर सकती है। जैसा कि राकेश जी आपको ध्यान है, जब दैनिक भास्कर के जो टीम के कैप्टन थे उनसे भी जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि एक नई टीम है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें उसको दूसरे तरीके से खेलना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही ड्रॉ की घोषणा हुई उसके बाद में तय हुआ कि न्यूज़ इंडिया का मैच आज उद्घाटन के बाद में पहला मैच जिस तरीके टाइम्स ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडिया के बीच में था, काफी रोमांचक मैच रहा, और उसके बाद में सेकंड मैच न्यूज़ इंडिया और भास्कर के बीच में, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था। काफी हद तक कई लोग जो जानकार हैं वो ये बोल रहे थे काफी हल्की टीम मान करके चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी खासतौर पर देखने को मिली है अभी तक, और तमाम जो बल्लेबाज इसमें न्यूज़ इंडिया में खासतौर पर जिस तरीके से टेक्निकली रूप से डिफेंस के तौर पर प्रतीक लगातार खेल रहा है, खासतौर पर मेरे सहयोगी उमंग माथुर लगातार इसको कोच कर रहे हैं, और उमंग सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहली बार भाग लेना और कॉम्पिटिटर के तौर पर भास्कर आपके सामने अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, वो मनोबल बनाकर के रखना और उस टीम के सामने उतरना अपने आप में काफी बड़ी बात लगती है।
बिल्कुल राकेश जी, इस बात का तो जवाब देंगे ही, और साथ ही साथ एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि ये हमारा डेब्यू मैच है, प्रेस प्रीमियर लीग में हमारा डेब्यू मैच है, और डेब्यू मैच में ही हमारा जो मुकाबला है वो 5 बार की विजेता, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी भास्कर टीम में है जो लगातार 3 मैचों में 3 बार शतक भी लगा चुके हैं, ऐसे खिलाड़ियों के सामने हमारा डेब्यू होना, पहले तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारे पास खोने को कुछ नहीं, और अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि और टीमों को भी ये साफ संदेश चला जाएगा, जो शुरुआत में ये मान के चल रही थी कि ये तो नई टीम है, इन टीम के खिलाड़ियों का कितना क्या रहेगा, खेलने का हिसाब किताब क्या रहेगा, बहुत कम करके आंक रहे थे, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई कि उन्होंने हमें कम करके आंका, और मैदान पर जो नजारा इस समय देख रहे हैं, अब आसमान भी हमारा साथ दे रहा है, पहले बहुत धूप थी लेकिन अब आसमान में बादल आ चुके हैं, हवा भी बढ़िया चल रही है, और जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर वाला भी साथ दे रहा है न्यूज इंडिया की टीम का। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और ये टीम आज पूरी तरह से हौसले के साथ उतरी है। हमारे साथ इस पूरी न्यूज इंडिया टीम का हौसला बढ़ाने के लिए टोंक से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश यहाँ पर मौजूद है। जी ब्रजेश, कैसे आना हुआ आज स्पेशली मैच देखने के लिए आए थे, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पहली बार आज यहाँ पे अपना इस लीग में मैच खेल रही है, और यहाँ पे उनका जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग इच्छा हुई, तो स्ट्राइक पर है गौतम चौरसिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस समय पर इनके हौसला बढ़ा रहे हैं, और जितने भी राजस्थान भर के जितने रिपोर्टर्स हैं वो सब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, और हमारी टीम के साथ में अगर आपको हम दिखाते हैं जहां पर टीम बैठी हुई है पूरी, और जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, और हर चौके छक्के पर जिस प्रकार से धूम धड़ाका और हिप हिप हुर्रे यहां से हो रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है, और ये बहुत ज़रूरी है। यहां पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए चैनल हेड श्रीमान विश्वजीत सिंह जी भी यहाँ पे पधारे थे, और वाकई में एक वो हौसले की बात होती है कि किस प्रकार से आप अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। बात सिर्फ एक मैच के हार और जीत की नहीं है, बात है कि जब टीम उतरती है तो उसका हौसला पूरा बरकरार रहना चाहिए। इस समय पूरी टीम हमारे सामने खड़ी है, और देख सकते हैं किस प्रकार से मैच की तरफ आपको दोबारा रुक करके चलते हैं, किस प्रकार से इस समय पर मैच चल रहा है, और जिस प्रकार से स्कोर है, रन एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, 115 रन और बाकी हिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, 5 ओवर और बाकी हैं, और इन 5 ओवर में ही इनको पूरी दिशा निर्देश पूरा वो किया जाएगा, और जैसे ही किसी बाउंड्री लगती है या कुछ भी, और प्रतीक शर्मा जिसकी बात हम बार बार कर रहे थे, 50 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं, अर्धशतक उनका पूरा हो चुका है, उत्साह की लहर आप देख सकते हैं, पीछे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे, जी हाँ, बहुत बहुत ही शानदार रूप से इस समय पर जोश पूरे चरम पर है मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। वाकई में बहुत ही खूबसूरत आयोजन पीपीएल, जी हाँ, प्रेस प्रीमियर लीग, वाकई में ये जोश, ये जो मैदान पर जो आपको नजर आ रहा है और जो मैदान के बाहर नजर आ रहा है, बस यही वो चीज़ है, जोश और उत्साह मैदान में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रतीक शर्मा ने अर्धशतक जड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।